हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है नवजीवन एक्सपेक्टिंग न्यू लाइफ। दोस्तों, इस सीरीज के जरिए हम आपको ले चलते हैं अंधकार से रोशनी की ओर, उदासी से खुशी की ओर, इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी की ओर। हम चाहते हैं कि आपको इस बात का विश्वास दिला सकें कि अब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जिसने लाखों आँखों में उम्मीद भर दी है, बांझपन जैसे कलंक को इस समाज से मिटा दिया है। मैं बात कर रही हूँ इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन के बारे में, IUI। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि IUI क्या है, कैसे होता है, तो यही आपका मौका है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर नंदिता पाशेतकर जी का। डॉक्टर नंदिता, केवल टीवी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वेल दोस्तों, ये खास सीरीज इनफर्टिलिटी पे है और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं IUI के बारे में। अगर आप इसके संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर नंदिता, इससे पहले कि मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि IUI इतनी बड़ी पद्धति क्या है, सबसे पहला सवाल कि हम जब कहते हैं कि इनफर्टिलिटी का इशू है या प्रॉब्लम है, तो इनफर्टिलिटी कैसे क्लासिफाई की जाती है? अंकिता जी, अपने देश में जब शादी हो जाती है जी, तो 7-8 महीने में ही लोग पूछने लगते हैं, पहले तो सास ससुर, फिर फ्रेंड्स की कुछ अच्छी खबर है क्या? एब्सोल्युटली। तो ये जो है, ये एक्सपेक्टेशन सबके तरफ से होते हैं। अगर किसी को प्लानिंग करना है, फैमिली प्लानिंग हम बोलते हैं, तो अगर प्लानिंग करना है बच्चे के लिए, तो एटलीस्ट 1 साल तो ट्राई करना चाहिए कि नेचुरली होता है कि नहीं जी। अगर वो चीज़ नाकामयाब रह गई तो देन दे मस्ट अप्रोच अ डॉक्टर। सो 1 साल डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। ओके, बट जहाँ बात आती है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन के बारे में, लोगों को लगता है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ शायद वो बच्चा हमारा ना हो, हमारा हिस्सा ना हो, तो टू क्लियर द मिथ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये प्रोसीजर कैसे होता है? नॉर्मली जब कोई लड़की को बच्चा मांगता है, तभी उसकी जो एग्स होते हैं, लड़की से एग्स आते हैं और लड़के से स्पर्म्स आते हैं, तो ये एग जो है ये रिलीज हो जाता है शरीर में, और उसी वक्त अगर स्पर्म्स रिलीज हुए उसके शरीर में, तो ये एग और स्पर्म का मिलन हो जाता है और बच्चा हो जाता है जी। तो ये जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग जो है सिर्फ 16 आवर्स 24 आवर्स जिंदा रहता है, ओव्यूलेशन पीरियड हम बोलते हैं। यस, बट वो एग जिंदा रहता है सिर्फ 24 आवर्स। ओके, अगर 24 आवर्स में स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाता है जी। तो वो टाइमिंग इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट। कोई लेडी आती है हमारे पास, तो पहले तो उसके ट्यूब्स ओपन है कि नहीं वो देखना चाहिए जी। तो उसके लिए हम जांच करते हैं, एक एक्सरे से जांच करवा लेते हैं, या दूरबीन डाल के टेस्ट भी कर सकते हैं कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है IUI के लिए कि ट्यूब्स ओपन रहने चाहिए। फिर स्पर्म, अगर स्पर्म में कोई डिफेक्ट हो, स्पर्म के 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो काउंट है, एक स्ट्रक्चर है, और एक मोटिलिटी या गति जो speed. बोलते हैं हम स्पीड। यस, तो अगर ये 3 चीज़ों में कोई दिक्कत हो तो IUI का जो सक्सेस रेट है कम हो जाता है। तो हम IUI ऐसे पेशेंट्स को करते हैं जिनका स्पर्म काउंट ठीक ठाक हो। okay. एकदम बहुत ही ख़राब हो तो IUI उसके ऊपर असर नहीं करता। दूसरी चीज़ है जो लड़की है, अगर उसमें अच्छे अंडे तैयार हो, कोई ब्लॉक ना हो, तो फिर हम IUI कर सकते हैं। तो IUI की जो टेक्निक है, 1 महीने की, मतलब 1 महीने का ट्रीटमेंट होता है। पर अगर इसके नाम को थोड़ा ब्रेक किया जाए और समझा जाए, तो इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन मतलब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करना।
हाँ, तो इम्प्लांट करना मतलब हम स्पर्म्स छोड़ देते हैं. स्पर्म्स छोड़ देते हैं. तो पहले तो पीरियड के दूसरे दिन से उसकी अल्ट्रासाउंड की जाती है जी. क्योंकि अल्ट्रासाउंड के जरिए हमको ये एग की ग्रोथ दिखती है. और ऑफकोर्स हम उसे इंजेक्शन्स, दवाई, गोलियां देते हैं ताकि नॉर्मली जो एक ही अंडा तैयार हो उससे दो या तीन हम कोशिश करते हैं. तो इस प्रोसेस के पहले प्रेप करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. तो दो या तीन अंडे तैयार हो जाते हैं. फिर वो जब तैयार हो जाता है तो उसे एक ट्रिगर देते हैं. ट्रिगर मतलब क्या, हम टाइम करते हैं. तो ट्रिगर देने के बाद 36 आवर्स के बाद ये अंडा रिलीज हो जाता है. ओके. तो जब वो रिलीज होता है तो उस कपल को हम अस्पताल में बुला लेते हैं अंकिता. और हस्बैंड से स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं. ओके. ये स्पर्म्स जो है उसे खाना पीना खिला के उसकी मोटिलिटी या स्पीड है वो बढ़ा देते हैं. और ये बेस्ट स्पर्म्स लेके हम डेलिकेटली वो यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं. फिर जो काम करना है वो खुद करते हैं. मतलब नेचुरली हो जाता है बॉडी में कि वो स्पर्म स्विमिंग करते हुए एग की तरफ जाते हैं. फिर एग फर्टिलाइज होता है. मतलब आप ही का स्पर्म और आप ही का अंडा, दूसरे की कोई चीज़ नहीं होती है. ये बच्चा आपका होता है. ये नॉर्मल मतलब इट्स क्लोज टू नेचुरल नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज होता है और काफ़ी नॉर्मल होता है बच्चा. वेल दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होने के साथ साथ यहाँ दिया जा रहा है एक ह्यूमन पुश. जो चीज़ नेचुरली नहीं हो पा रही है उसे साइंस के और मेडिसिन की मदद से एक हल्का सा पुश दे के हम लोगों की गोद भर सकते हैं. वेल, अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डॉक्टर नंदिता और उनकी टीम से बात कर सकते हैं. हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं. एक और सवाल है जाने से पहले, IVF के बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है, तो IVF और IUI के बीच में क्या अंतर है? IUI में बच्चा नेचुरली होता है और शरीर के अंदर होता है जी. IVF में हम बच्चा क्रिएट करते हैं शरीर के बाहर लेबोरेटरी में. ओके. और फिर तैयार बच्चा थैली के अंदर छोड़ते हैं. वेल, ये एक एक्चुअली अनदर चैप्टर है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी एक फ्रेश एपिसोड में. दोस्तों, IVF एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी देखना होगा. पर इस एपिसोड के एंड के पहले, एज यूजुअल, डॉक्टर नंदिता, आपका स्पेशल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए. आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि IUI अपना खुद का बच्चा होता है. आप ही के अंडे, आप ही के स्पर्म, और ये बच्चा नॉर्मल होता है. ये ज़रूर जानना चाहिए. और IUI सिर्फ एक बार करके छोड़ देना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए. क्योंकि IUI अगर 3-4 बार करोगे तो काफ़ी लोगों में उसका सक्सेस मिल जाता है. वेल, डॉक्टर नंदिता, आप हमारे स्टूडियो में आई और IUI के बारे में इतनी सारी नॉलेज हमें दी. आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स ये एपिसोड देख रहे हैं उनके दिलों में, उनकी आँखों में एक उम्मीद की किरण ज़रूर जागी होगी. एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू अंकिता. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.